सब्जी हेलो की। गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है आनंद एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। खूब सब्जी लेकर आया हफ्ते भर के। सही, आज क्या पढ़ रहे हैं हम? आज आपने ही सजेस्ट करी है और मुझे ये स्टोरी याद नहीं है। मुझे याद है कि पढ़ी है कभी, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी बहुत बिल्कुल याद नहीं है। मुझे पढ़ने का बहुत मन था और मैं कभी नहीं पढ़ पाया हूँ ये स्टोरी। मैंने सुना बहुत है इस कहानी के बारे में। मैंने भी तो अब मुझे याद नहीं कि मैंने कब पढ़ी थी, लेकिन बहुत फेमस स्टोरी है। कृष्णा सोबती, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था जिनको, और बहुत उन्होंने लिटरेचर लिखा है। आई थिंक काफी उनका लिटरेचर इज अबाउट पार्टीशन, और ये कहानी भी शायद उसी से रिलेटेड है। सिक्का बदल गया, तो सिक्का बदल गया आज हम पढ़ेंगे और लेट्स सी कि कहानी क्या है। उसके बाद कहानी पे डिस्कशन होगा ही, चलो फिर हम हिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करो। सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वो दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे नीचे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वो कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वो पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वो दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज, आज शाहजी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है, शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, ये क्या सोच रही है, वो भी सवेरे सवेरे, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह पे चली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था, टन टन बैलों की घंटियां बजती थी, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा, ये शाहजी की ही असामियां हैं, शाहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना, अरे हसैना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वो ना पहचानेगा? अपनी मां जैना के मरने के बाद वो शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, सैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वो सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना क्रोध, शाहनी पर? चीख कर बोला, ए मर गई है ऐब, तेनु मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहां क्यों छावेले तड़पना है, सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी, प्यार से बोली, हसैना ये वक्त लड़ने का है, वो पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, शाहनी लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई इसने? शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है, शेरे
हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहां, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है शाहनी आज। आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये होके ही रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधुओं से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गणासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वो ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी, नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वो सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खाके हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वो देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वो शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वो कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है, अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर। शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वो कैसे कहे। शाहनी, शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है ये आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई, शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं, दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी, शाहनी, शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा, मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन, कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां, सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी, उसकी असामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वो अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जाट, वो क्या सुबह ही नहीं समझ रही थी?
बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने न जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए उसने कहा, शाहनी रब नू यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए उसे छोड़ गए थे शाहजी। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले सब मशवरे यहीं होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। ये नहीं कि शाहनी कुछ ना जानती हो, वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी ये नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी, थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही शाहनी है जिसने उसकी जब वो लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वो सब तुम लोगों के लिए, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकद ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी, किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस करके बोला, शाहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से, शाहनी का गला रुंध गया, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं है, यहां की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। कहां साहब देर, मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी ये देहरी जिस पर एक दिन वो रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पहुंची और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वो उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देखाई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बन रही है बनी रही है उनके सामने वो छोटी नहीं होगी, इतना ही ठीक है। बस हो चुका, सर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधु की आंखों से निकलकर कुछ बंदें छू पड़ी। शाहनी चल दी ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें, सब पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी, गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है।
शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोकर रूंधे रूंधे से कहा, रब तो आनु सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वो छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सकते। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका, राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनु भाग जगण चन्ना, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वो हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वो स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहां जाएगी अब वो? शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। फकत ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। ये हम डिप्रेशन से भरी कहानियां क्यों पढ़ते हैं यार, ऐसे दर्द देने वाली। सच्चाई शायद ऐसी है ज्यादातर। हाँ, और ये सच्चाई जो है ये हर घर की है यार, जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ है। आई सी इट सो क्लोजली। इनफैक्ट इस बार मैं जब घर पे था तो पहली बार ऐसा मौका मिला स्कूल के बाद कि इतने लंबे टाइम घर पे रह सका। तो आई थिंक हाफ ऑफ माई लाइफ आई हैव लिव्ड आउटसाइड, और आधी जिंदगी बाहर अकेले बिताने के बाद मैं वापस घर वालों के साथ रहा 6-7 महीने। तो काफी रिश्तेदारों से मिलना हुआ, और ये दिस साइड ऑफ माई फैमिली आई गॉट टू एक्सप्लोर, बिकॉज माई पेटर्नल साइड दे केम फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। और यही कहानी है यार, मतलब बक्सों में सामान भर के, सिक्के भर के, सोना चांदी भर के, दे केम एंड स्टेड इन रेफ्यूजी कैंप्स, और वो लोग रेफ्यूजी कैंप पे रहे। और हमें मतलब अभी वो जो कॉलोनीज थी जो उस समय इस्टेब्लिश करी थी रेफ्यूजी कॉलोनीज, उनमें पक्के मकान बने, फिर हल्के हल्के करके अब वो बड़े इलाके बन गए। और कुछ अभी भी वैसे ही हैं, कंस्ट्रक्टेड गलियां छोटी छोटी, और ऐसे ऐसे पूरे पूरे मतलब फैमिलीज की फैमिलीज, कुनबे के कुनबे, गाँव के गाँव उठ के आए हैं एक जगह से। जैसे हमें बताते हैं, अभी मैं अपनी ताई जी से बात कर रहा था, तो वो बड़ी हैं एज में काफी, तो वो बता रही थी कि कैसे मतलब हमारी ही जो फैमिली थी और जो एक्सटेंडेड जो था उसमें 17 हाउसेस थे। सो 17 घर थे उसमें लाहौर में, और 17 घर का वो जो एक इतनी बड़ी फैमिली थी, और उस समय फैमिलीज क्लोज भी होती थी और बड़ी बड़ी घर होते थे, मतलब समझ रहे हो, मतलब एक घर में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, वैसे 17 घर थे। तो इतना बड़ा जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी उठ के, और वो घर रातों रात खाली करके कुछ लोगों ने ताले लगाए, और वो ताले लगा के आ गए। अब क्या हुआ उनका कभी नहीं पता चला। इनफैक्ट मेरे दादाजी जो थे, अभी इस बार मेरे फादर बता रहे थे कि जब 47 में राइट्स हुए तो दोनों साइड में हुए, यहाँ पे भी हुए। अब जब वो इन कॉलोनीज में आए तो यहाँ पे उन्होंने रहने के लिए कोशिश करी, जो कि मुसलमान लोग छोड़ के गए थे उन घरों में। तो
तो वो लोग जा जाके मतलब एक ऐसा लैम्प शेड है जो अभी भी मेरे घर में है, जो मेरे दादाजी ने लूटा था किसी खाली घर से, ठीक है, और ऐसे ही कुछ प्लेट्स लेकर आए थे, चम्मच छुरी ये सब चीजें, क्योंकि कुछ भी नहीं था यार, मतलब देवर जस्ट लाइक पेनीलेस, कपड़े जो पहन रखे थे। कितने लोग आए थे? मेरी फैमिली से जो आए थे? हाँ यार, अब 17 घर के हिसाब से लगा ले अगर, मतलब और उस समय 50 लोग आए होंगे। हाँ, इस टाइप से। अब कहाँ है वो कोई नहीं पता, कोई अमृतसर सेटल हुआ, कुछ लोग देहरादून आ गए, कुछ लोग पंजाब में रह गए, अच्छा। कुछ लोग दिल्ली चले गए उसमें से, तो इनके भी अलग अलग रैन बसेरा बने थे ना, तो ऐसा हुआ। और इतना बड़ा पर अब तो पता ही नहीं किसी को क्या है, अब तो जो जो एक शहर में है, जो हैं जिनसे टच में उनका पता है, बाकी एक्सटेंडेड तो नोबडी नोज मैन। तो सो आई यू नो इट्स वेरी रिलेटेबल दिस स्टोरी, क्योंकि ये तो कहानियां मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, और ये बातें मतलब हमारे घर में अमूमन निकलती हैं कि अरे ऐसा होता था वहां पे, या ऐसा छोड़ के आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो वही मतलब अब सोच, जब जब प्लेट लूटने का, या प्लेट किसी के घर से उठाने का, या चम्मच उठाने के लिए की जब बात आती है, तो मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि आप एक प्लेट में खा सके, तो कुछ भी नहीं था, मतलब जो था वो जैसा था वैसे लेकर आए थे बक्सों में भर भर के, कपड़े जो पहन रखे थे वो पहन रखे थे, कुछ नहीं। तो वो बता, ट्रेन में बैठ के, वही ट्रेन से आए थे। हाँ, में मतलब ट्रेन से, तो डेड बॉडीज भी जैसे जिसमें आती थी। हाँ, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब जैसा बताते हैं ये लोग 12 या 13 तारीख को निकल गए थे, ठीक है, जो दंगे शुरू हुए वो, हाँ जो दंगे शुरू हुए थे वो 14 और 15 को या 16 को ऐसे हुए थे, तो ये लोग इन्हें पहले आ गए थे ये लोग, तो दे वर रिलेटिवली सेफ। बाकी देयर इज दिस वेरी गुड बुक बाय, जस्ट लेट मी गेट द बुक, आई शो इट टू यू। शिवम योर वीडियो, ओके, दिस इज ब्यूटिफुल बुक by Anchal Manhotra called Remnants of a Separation. I follow her on social media. Her Instagram is she very talks about. And so this is a book about things that people got during partition. And तो कोई अपने घर से घड़ा लेके आया, किसी का ancestral घड़ा था, किसी की jewelry थी कुछ, कोई कुछ लाठी लेकर आया जिसकी sentimental values थी. So this book is about, you know, such things. So like it has beautiful pictures and stories about okay. about, you know, she's interviewed those people, and Anchal is a brilliant person. I've got the privilege to talk to her a couple of times. She's a lovely person. She's writing again. This is a beautiful book. I think it's published on HarperCollins. Aur ab 3-4 saal ho gaya is kitab ko aaye hue, lekin must read if you're, you know, if you want to know and explore this topic a little further. इसमें हमने दूसरी कहानी पढ़ी है, वैसे ही है, हमने धुआं भी पढ़ी थी ऐसे ही थीम पे, पार्टीशन पे, गुलजार की धुआं। धुआं पार्टीशन पे नहीं, धुआं वाज मोर अबाउट राइट्स, दंगे। हाँ, दंगे पे थी धुआं, वाज अ राइट, लेकिन ये ना दंगों पे थी। लेकिन कितनी अजीब सी चीज है ये, मतलब वैसे तो बहुत, मतलब हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन 14 और 15 अगस्त को कितने लोग मरे थे दंगों में, हमारी मतलब एक तरीके से आजादी के साथ दंगे से शुरुआत ही दंगे से हुई है, विच इज द आई डोंट नो कि अभी तक जो चल रहा है, और अभी भी हम देखते ही हैं आए दिन, हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है, हम कुछ सीखे नहीं है, मतलब जरा सा भी। शुरुआत से जब देख रहे हैं कि एक चीज हमें जरूरत थी कि हम ना करें, ये जहां से हम शुरू हुए हैं वो ना हो और आगे, और वो वही चीज नहीं खत्म हुई अभी तक, वही चल रहा है यार। ये जैसे इसमें दिखाते हैं, जैसे है ना, ये तो कोर्स ऑफ नेचर है, ये तो होता रहेगा, मतलब यू नो इट्स नॉट अबाउट लर्निंग थिंग्स, एंड प्लस आई डोंट थिंक वी आर केपेबल ऑफ लर्निंग इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। I mean, if you look at the greater picture, even biological learning or evolution, it takes time.
तो लाइक 40-50 साल, 60 साल, 70 साल इज नथिंग इन तो कंपैरिजन टू भी हिस्ट्री। पीको, हाँ, इस और इतना नैनो कुछ चेंज हो रहा है ना, भी मतलब साथ साथ चेंज भी तो हो रहा है। सो इट्स इट्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड दैट। एंड यू नो एज अ सोसाइटी, अगर आप एक इफ यू कंसिडर सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, तो वो भी इवॉल्व हो रहा है और उसके साथ इट्स एन एवर चेंजिंग थिंग, इट्स इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स। साथ ही साथ इट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ। आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि हम लोगों ने देख लिया है, हर सेम सिस्टम में हर जगह अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे सेम कहानियां होती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बट वही हर फॉर्म। जनरेशन को यही दंगे देखने को मिल रहे हैं हमारे. लाइक आई थिंक इंडिया में तो हर जनरेशन ने देखे ही हैं हर. एंड आई डोंट नो कि होपफुली. और लेकिन ओवरऑल आई थिंक आई डोंट वी विल हैव टू सी द ग्राफ्स. लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैव गॉन डाउन विद ईच रिकरेंस. पहले शायद लोगों को ज्यादा खून लगता था टू केयर अबाउट इट. लाइक आई मीन वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मरे उस टाइम पे बिना सोचे समझे. पीपल वर ओके विद इट आई थिंक हैपनिंग नाउ. पीपल लाइक एक एक अगर भी कुछ हो जाता है तो इट इट अफेक्ट्स प्रिटी मच This is how it should be. एवरीवन I इन अ mean, वे अभी this स्लोली just shows you that human life is more valuable. At की least we're वैल्यू considering it more वैल्यू valuable. थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है. हाँ Right. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. बट मतलब मुझे याद है कि जब मैंने U2 का गाना सुना था, ब्लडी संडे, तो मैंने गूगल, हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, संडे ब्लडी संडे संडे? तो ब्लडी संडे इट्स अबाउट दैट वो इट्स राइट. अबाउट द ब्लडी संडे इंसिडेंट इन आयरलैंड। या और उसमें पता है कितने लोग मरे थे तेरे को? उसमें 17 लोग मरे थे। ठीक है, 17 हमारे यहाँ रेल की पटरी पे कट के मर जाते हैं यार डेली। तो आई हमारे. मीन या आई मीन हमारे लिए, वैल्यू ऑफ उस लाइफ इन समय, दिस उस समय हेमिस्फीयर मेरे लिए इज इतना शॉकर था डिफरेंट. ये कि यार 17 लोगों के मरने पे गाना लिख दिया और मतलब इतना फेमस हो गया। और या हमारे लिए तो ये बहुत नॉर्मल है. हाँ, तो हमको मुझे बहुत अजीब सा लगा था, बट ऑब्वियसली उसके बाद समझ में आया कि क्योंकि हम लोगों के लिए वैल्यू ही नहीं थी ना लाइफ की। जब तक 100, 150, 200 ना मर जाएं, तब तक पता ही नहीं चलता है कि बड़ा हादसा हुआ है। विच इज सो सैड मैन, लाइक इट्स सो विच इज डिसेंसिटाइजेशन लाइक द दैट वी डिसेंसिटाइजेशन गॉन थ्रू। अबाउट वायलेंस. या या मतलब ठीक है, अब आज कोई पैदा हो रहा है और उसको ये चीज लगेगी कि कैसे. क्योंकि हमेशा होता है ना, लोग जनरेशन देख के पीछे आ रहे. वो लोग हाउ आर दे ओके विद वर्ल्ड वॉर. लाइक उस टाइम पे आइंस्टाइन भी था दुनिया में, सबसे इंटेलिजेंट लोग थे, गांधी जी थे, सब थे, लेकिन तब भी मिलियंस मर गए. बॉम्ब डाल दिया, न्यूक्लियर शिट, मतलब होलोकॉस्ट हुआ. तो वी थिंक कि कैसे हो गया. आज के जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब इज आई डोंट नो हाउ वुड यू लाइक आई कांट इवन इमेजिन कि कोई कर सकता है. तो आई थिंक 100 or few 100 years down the line, people would be looking at us and like, how are they okay with like 17 people also dying? Absolutely, How are they okay absolutely. with one person dying and being killed? How are they okay with that? Which I think hopefully should happen, but जिस तरह का पता नहीं अजीब सा माहौल लगता है मुझे तो. Absolutely, अभी यार इस ये समय वी आर होगा। गोइंग और थ्रू अनदर ये डिप. डिप में ही है अभी तो. इन द लॉन्गर, सी आई एम एन ऑप्टिमिस्ट इन दिस, एंड दिस लाइक यू नो यू कैन पुल आउट डेटा फ्रॉम एनी साइड टू कोराबरेट वॉट एवर एनी वन इज सेइंग। तो इसमें फॉर भी है, अगेंस्ट भी है। आई जस्ट थिंक थिंग्स आर लुकिंग बेटर इन, इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इफ यू टेक अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इट, यू इफ नो यू वी टेक अ आर वेरी नॉट इन द लॉन्ग. वर्स्ट ऑफ या टाइम्स, वी आर डेफिनेटली नॉट इन द या वर्स्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली. बट इन द शॉर्ट टर्म, इन द लास्ट 2 decades और सो, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलरली ग्रेट पीरियड. दिस लास्ट फ्यू इयर्स फॉर लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सम वेज इट्स It also नॉट kind of depends on लाइक your political इन टर्म्स ऑफ. ideology, actually. For some people, it's just great. आई मीन या ऑफ कोर्स, मतलब व्हिच एवर साइड यू आर ऑन. बट ओवरऑल टर्म्स ऑफ वायलेंस आल्सो द ग्राफ्स आर गोइंग अप in some cases. So in that sense, in the short, the best. We have been in better times. I have been in lived in better times. But yeah, of course, hopefully this is a short blip. And in the over the course of our lifetimes also, ki hamare agle 10 saal mein, hopefully people would realize ki nahi hai zarurat यार maarne मुझे काटने मुझे पता है वाले. क्या लगता है। सो मेरा इस मेरा टाइप की पॉइंट ऑफ व्यू आइडियोलॉजी ये है, रखना भी इट्स जस्ट नॉट समथिंग यू वर्थ इट. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
ठीक है, तेरा ये चंक ऑफ लाइफ था, लेट्स से द फर्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ, वेयर और 25 years ऑफ योर लाइफ, वेयर यू सेड कि हाँ ये यार ये खराब, ये चीजें अच्छी थी, ठीक है, इट इज, एंड अभी जो आखिरी का लास्ट का 10 साल है, लेट्स से 20 साल है, वो खराब है या कंपैरेटिवली खराब है. माय पॉइंट इज कि, एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि खराब है, कई चीजों में बहुत खराब है, कई चीजों में बहुत अच्छा है, इट्स नेवर एन एब्सोल्यूट, ठीक है. अगर तू देखा जाए तो कम्युनिकेशन नहीं था, फोन पे हम बात नहीं कर सकते थे, यू नो, इफ यू गॉट लॉस्ट यू गॉट लॉस्ट, यू आस्क, यू वेटेड फॉर अ पर्सन टू कम. सो एब्सोल्यूटली नहीं बोल सकता है कि खराब है या अच्छा है. कुछ टर्म्स में है डेफिनेटली. नो, सो अभी तो हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, हम तो इसी बारे में, जैसे सिक्का बदल गया जो कहानी है, ह्यूमैनिटी एंड आर रिलीजियस डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इन टर्म्स ऑफ हम हिंदू मुस्लिम अभी और ज्यादा थोड़े अग्रेसिव हो गए हैं. इन माई लाइफ टाइम आई हैव सीन दैट गोइंग इन, ऑफकोर्स 94 हुआ था, दंगे पहले भी हुए थे, बॉम्ब अटैक हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, सो देयर वर थिंग्स, बट पीपल of your own country, you would not be feeling ki you are like this person is against you, like that sort of, I don't know, ye obviously ab hum, main ab bada hua hu to I am thinking it more, kya pata hamare maa baap ko in terms of that lagta ho, hamari age mein logo ko aise hi lagta ho. Nahi, I have asked this question to them, I have asked this question, but I've got different answers from different people living in different times. Like my dad talks about emergency as a time ki that was the worst, कैसे मतलब इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, कि आपने पूरे देश में लाइक यू वर बैनिंग स्टफ, यू वर बैनिंग रेडियो, मतलब बिकॉज एक चीज मुझे पता है, मेरे पापा को कुछ पसंद होना हो लेकिन उनको पुराने गानों से बहुत प्यार है, तो अगर रेडियो अगर बैन हो गया था जिस जमाने में, आकाशवाणी पे सिर्फ न्यूज आती थी, तो दैट वॉज समथिंग, एंड ऑफकोर्स इमरजेंसी वॉज नॉट द ब्राइटेस्ट टाइम इन आर कंट्रीज टाइम ईदर, सो दे हैव सीन दैट काइंड ऑफ things also, and now they see ki yaar tum kitna kuch bol sakte ho, kar sakte ho, but yeah, over the course of time every generation realizes apna point of view. I've realized ki thoda change, thoda kharab mein we are going towards that, but probably over the course of time it changes hamari lifetime mein, hamari decade mein. I believe it all gets slightly better, polarization wala issue, the long run, yeah it'll all balance out, and yeah, maybe things would get bad, there's no denying ki ha kai cheezon mein bahut galat ho raha hai, extremism mein for example kuch cheezon mein zyada ho raha hai, but I think it's a balancing act, or over a large enough timeline it'll even out, like it always has. I mean, look at history for that, man, like, you know. Yeah. So that gives me hope. That's why I'm more optimistic. Yeah. I've heard this book is very good. I've not read it, but for people who want to feel hopeful about things, I think that book is recommended. It's called Hopeful History. Humankind. Huh? Rutger Hermann ki book hai. Humankind. Rutger Bergman. It's basically about how over the course of history, humans have become kinder. And violence has gone down. It has. I mean, agar to dekh lena medieval age mein aap kya karte the. I mean, Monty Python's reference. Main bhi. हाँ, तो वहाँ तो वो तो बहुत normal था, लोगों की value देखो उस time पे, तो they was like elite and then city folk and then slavery was open, so slaves की तो value थी नहीं, मतलब जो भी, मतलब इंडिया में तुम बोल रहे हो लोअर कास्ट का कर लो, तो बट हर ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वर लाइक ह्यूमन लाइव्स डिपेंडेड आपकी वैल्यू, कि आप कहाँ पे बॉर्न होते हो, तो वो दैट वैल्यू स्टिल इज देयर, कि आप यू कैन बी बॉर्न इन अ लोअर स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी, बट अपेरेंटली एज पर द लॉ यू हैव राइट्स, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यू हैव वोट्स, तो वो हक हैं अब लोगों के पास. मतलब 100 साल पहले तो वुमेन डिडंट हैव राइट टू वोट, लाइक नॉट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो वेयर हैव वी कम फ्रॉम इवन दैट. The leap has been leaps and bounds. Like, socho, like now we think, right? Ki 100 saal pehle women didn't have a right to vote. Kitna ajeeb hai ye. And us time ke liye normal tha. Us time pe people must be thinking about something else. Ki slaves ke paas to right to vote nahi tha, kyunki before slavery was ended before that. So it's such a. I hope ki, of course, we are in the best of the times. And if you think like that, ki hum kahan pe pahunch gaye hain us mamle mein.
that we have a lady premier in the US or India. नहीं, आई अग्री, आई अग्री विद यू एक्चुअली. और जो तूने बोला वो भी बहुत वैलिड है, यू नो, बट इट्स जस्ट मोर चीयरफुल फिलोसफी टू लिव बाय व्हाट आई एम सेइंग. एंड लाइक मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है यार उस चीज का, समझ रहे हो, और किसी के पास नहीं है. लाइक यू जस्ट, एंड आई नो लाइक दैट्स वेरी, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो इसे कि यार ये तो बहुत ही लाइक यू नो अनइनफॉर्म्ड सा ओपिनियन है, बट इट्स नॉट अनइनफॉर्म्ड. आई एम सेइंग आई एम चूजिंग दिस नोइंग ऑल द फैक्ट्स एंड नोइंग हाउ बैड द सिचुएशन इज, नोइंग द नंबर्स. आई एम स्टिल सेइंग कि ओके लेट मी लुक एट दिस साइड बिकॉज दिस गिव्स मी होप, बिकॉज आईड रादर लिव विद होप देन यू नो जस्ट ऑफ कोर्स बी बेटर एट एवरीथिंग एंड एनीथिंग. Yeah, so I just choose this. Yeah, I mean, you choose the way you want to go about with. I mean, of course, there's thousands of things to be sad every day and thousands of things to be happy also about every day, but it's what kind of news you want to see, it's up to us. And of course, something that happens all over the country that might affect a large section of your society. And it should. So it depends on you how much. Yeah, so it would give you something to, you decide in your mind, ki, this is good for us or this is not good for us. So, hopefully people are realizing what's good or what's not good. I'm saying, unless, like most of us are privileged enough to not have that affect us. I don't know for how long it will stay like that, lekin बहुत सारी चीजों में बहुत कंट्रोल होता है हमारे पास. It's up to you to choose to be affected. Right. Yeah, I mean, it's not affecting your livelihood directly right now, not yours, not mine, right, but in a lot of ways, the things that might be going on, you find yourself being silent about things. Subconsciously, there is a sort of a fear in the air that is being fed to you. Ki, you stay... steer away from this to have a like agar tumhe chill karke jeena hai life mein to don't think about this, rather not talk about it. I mean, so yeah, see, okay, so I didn't want to talk about this topic, and let's not let's just slightly touch on this topic. And the fear is very real the other way around also, like, you know, I am afraid to talk about anything that is unwoke as well. And I see that there's pertinent life danger from where what you are speaking from, the, let's say, the right wing. But there's also very, you know, the cancel culture, so-called. Isn't cancel culture, though, just the societal, like in the long run that you see, ki cancel culture is basically just course correction of things, like new values introduced hoti hai society mein, and you're like, achha, ye cheez, like you decide more things on to be right and wrong about. Basically, a new topic comes up and you think this is the right thing to say about this, and this is how you should treat trans people. So deeming it as a new value, ki ye naya issue kahan se aa gaya? I think there's, like, of course there's bad side to it, and of course there's unworthy people also sometimes, like jo. वो बन गया, फैड बन गया, दिस वर्ड इज आउट देयर नाउ, कैंसिल कर दिया. बट आई थिंक ये हमेशा से होता रहा, इट्स नॉट बीन दिस वर्ड, इट्स जस्ट बीइंग लाइक कोर्स करेक्शन इन अ वे ऑफ वैल्यूज ओवर, आई थिंक. माय व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पुट फोर्थ वाज द पॉइंट दैट द फियर फॉर सम पीपल इज वेरी वैलिड फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, लाइक दिस फियर ऑफ नॉट स्पीकिंग. लाइक, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट से थिंग्स आउट ऑफ द फियर दैट, you know, this might not be not wrong, but not palatable to some. And ab mujhe nahi pata, tere ko lagta hai nahi lagta, because maybe you're on that side of political correctness, and I don't want, like, okay, what do you think about the Myntra controversy, for example?
I mean, it's just sounds like we are becoming a banana republic. That's all I could see when I saw that meme. And so that is like, what I'm... Like what? Kya? Yeah. Kahan se? That is what I'm talking about. You know, the extreme form of social justice, the social justice Nazism, if you will. That, like, I don't think anyone on whatever you think, they're all on the side that this is stupid. The whole thing is stupid. Probably a marketing stunt. Somehow Myntra is losing. But yeah, maybe we can cut this part, man. I don't know. Maybe it deserves a bigger podcast. So, kahin aur discuss kar sakte hain. You see how you want to edit it. Nahi, theek hai. Kya? Matlab, it's, I just laugh at it. Mujhe to Myntra wali mein bahut aisi aayi. It's like, kya ho gaya ye? Anyhow. Haan, so, no, but wo ye, course correction wala. Yeah, but theek hai. Yeah. I mean, the story was beautiful though. Shera ka internal monologue chal raha tha, jab Shani ja rahi thi, ki maar dun se ya kaise karun. So that was so beautiful. And wo mere ko fear, matlab, I was feeling the fear ki, dude, ye kya karega? Kya kahin ye maari to nahi dega aise? Pehle us time pe ye tha ki either ye ek waisa bloody story hone wala hai. Phir at one point I thought ki will Shahani do something to Shera, but then it turned out to be, of course, it's just not a story about a murder. It's not a story about a crime. It's a story of a crime against humanity, of course, which happened, but story of that reality jo hua logon ke saath. Or it's a basically a depiction of her last day in that haveli, uska aakhri din, subah se sham. Like subah unhone, it starts with her taking a bath chanab mein, and chanab se phir wo dekh rahi hai, she's taking in all the sights of her, she's remembering her heritage and khet, aur phir how that ends with her being out of the country. It beautiful. It felt so real, kyunki jab wo bolti hai ki main sona sikka kya le gaya, sona chandi le jaake kya karungi, mera sona meri zameen mein hai, like Khet mein, and that is that hit so hard because like ghar ya, you know, home is that place. Home is ghar wo hota hai. Aapko ukhad ke kahin se le jaya ja raha hai ek anjaan jagah mein. And I ek makan nahi hai, ghar around a lot. You moved around a lot. I have moved around a lot. And so that's very real ki, you know, kya hai bahar. क्योंकि घर 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 वो जगह है, घर आपका घर मकान नहीं है, घर वो गलियां हैं, घर वो सब कुछ होता है जहां पे अगर आप रहे हो. मतलब शाहनी तो ठीक है 60 साल रही होगी, 70 साल रही होगी. मुझे जहां तक, मतलब मैं अपने गांव में ही जितना भी रहा हूँ कुछ साल, अब मेरा गांव खत्म हो रहा है बिकॉज वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है तो गाँव जाएगा, तो वो घर मुझे पता है वो, और वो मेरे दिमाग में रहेगा, लेकिन वो मुझे पता है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो निकल जाएगा और वो मतलब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए. तो टू हैव दैट टेकन अवे फ्रॉम यू, द होल होम, दैट होल घर, इन एन इंस्टेंट, इन अवे, लाइक आपको मतलब वो सोचती है ना, मैं घूम के आ जाती, अब उसको सामने, उसको एक एक चीज याद आ रही है उसके घरों की, एक बार मैं पूरे कमरे ही देख के आ जाती, कितना अजीब है. एंड सो मेनी पीपल वेंट थ्रू दिस ट्रॉमा, लाइक innumerable number of people went through, और उनका कितना trauma, कितना PTSD बोलिए, कितनी mental issues they face. Of course, when through something, your family also goes through it. तो उनके बच्चे जो हुए, उनके साथ भी वो है. और and there are things I can tell you, I have read अभी जितना मैंने genetics पढ़ा है कि PTSD and trauma can travel through your genes. It gets into your genes. तो जैसे hunger winter वहाँ पे हुआ था एक कि उन लाइक दे जस्ट लिव थ्रू दिस विंटर्स ऑफ विदाउट फूड, समहाउ सर्वाइव्ड ऑन लाइक लिटिल बिट्स. तो जो उनके बच्चे पैदा हुए इन नेक्स्ट जनरेशन, दे वर ऑल, दे हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी बिकॉज उनके जीन्स ऐसे डेवलप हो गए थे कि अ लिटिल न्यूट्रिशन वुड गिव देम अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो दे वुड स्टोर अ लॉट मोर. सो देयर जेनेटिक्स हैड बीन इनकोडेड ड्यू टू दैट हंगर दैट द होल जनरेशन वेंट थ्रू. सो if a whole generation goes through a mental trauma, how that affects you, even like
You can get your DNA checked for that also, probably. Like, there are things about that. And it's a study, basically, how travels. I don't know about genes, but... I don't know about genes, but culture में तो आ जाती हैं चीजें. Culture में तो definitely आ. Culture में तो आएगा ही. हाँ. Yeah, yeah. मतलब, you know, right from how you treat money to how you treat food, how you value your possessions and things, and वो आता है, and it's very apparent, you know, on families that have been through the partition or in the past went through partition or जब मैं किसी और कम्युनिटी को देखता हूँ, like for example, you know, it's very apparent the difference between us. Like for example, my father's side comes from Pakistan and my mother's side was like full on India, UP. So मेरे को दो, and obviously that is the difference between the Punjabi and the UP community as well. But it also stems from how they came and how they had so little. And so they value things a lot more, like, you know, more. Even if it's their clothes, and it comes back to, like, you know, accumulation of stuff, getting stuff, how they treat their money, how they treat their people, how they treat relationships, totally different. And you can all connect the dots and, you know, maybe go back to that one single event. Yeah. And obviously it's a culmination of many events and many factors. But that's like one deciding thing that I think is the difference. Yeah. No, I mean, it's like events like these cause physical, mental, and even genetic level changes in you, which of course subconsciously come up later on how maybe you also go through with your relationships or like I'm very sure affected all the in ways which we'll be still be unpacking like years from now, the last whole year of trauma that a lot of us went through collectively. But it's very interesting to realize how things like that though like affect generations in so many ways. I'm sure somebody is we're still studying that already. I hope they are. I hope Anshul writes a book about this. Just imagine if 14th and 15th August were not those kind of events, imagine them being peaceful events. How, like, just imagine if there was a peaceful transfer of power without people dying, with probably 17 people dying, like a Sunday, Bloody Sunday. But would that reverberate in our lifetime so differently? And how the situation would have been? You can't even imagine how everything would be so different just because one event was that bloody and it just created a permanent rift, which everyone references it to it. Like, let's say, there's an argument that if you argue with a stranger long enough on the internet, you'll invoke Hitler at some point. So India, maybe I say, if you argue with someone on the internet, within Indians or Pakistani, you would go back to partition. You would talk about partition after one point. If you talk to a Sanghi, if you talk to a left person, it will come up. It is that event which basically reverberates abhi aaj tak. True. Alternate history ek movie banni chahiye, iski ek movie where it didn't happen. Man in the High Castle type. Would have been a nice way. Haan, Man in the High Castle. Yeah, Red Sun, jaise Superman is a Russian, waisa. So... like an India Pakistan united did not partition. Probably ऐसा कुछ बनाया होगा किसी ने, but अब बन भी नहीं सकता, इतना problem है. All right, I think let's break. करते हैं आज, अच्छा हो गया time. I'll go move. Loved reading the story. अब कुछ हाँ ऐसी कुछ और कहानियाँ. हाँ guys, if you're less depression with. Yeah. If you're listening to this, please suggest. हम कौन सी कहानी पढ़ सकते हैं. हम चाह रहे हैं कि थोड़ी होलसम टाइप पढ़े, लेकिन हमें हिंदी में मिलती नहीं यार. होलसम हमारा कल्चर ही ऐसा है, नहीं है। कि और दुख से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, कि कुछ मिल ही नहीं पाता. नहीं नहीं है, है मैं लाऊंगा अगली बार. है शरद जोशी है, परसाई है, बहुत सारी कहानियां हैं, बुलाकी दास के किस्से हैं. ठीक है, मिलते हैं फिर. ठीक है, मिलते हैं. होप यू एंजॉयड दिस. सी यू गाइस, बाय बाय.